गो। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक स्वागत है आपके एक नई वीडियो पर। मैं सुरेंद्र, आपको एक ऐसी नहर जहाँ पानी ही पानी दिख रहा है। आपको देखिए कैसी नहर है ये, और इसमें पानी पानी बह रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये नहर 20 साल बाद इसमें पानी आया है। और खासकर इसकी एक खास बात ये है कि ये सिर्फ ठंडी में ही पानी आता है यहाँ, क्योंकि यहाँ ठंडी में पानी की आवश्यकता नहीं होती। और लोग किसान भाई हमारे ठंडी से सिकुड़ जाते हैं, उनके पैरों में अकड़न सी हो जाती है। और दिक्कत तो नहर देने वालों को कुछ नहीं होती, लेकिन उनसे जो तकलीफ होती है, उन किसान भाइयों से पूछिएगा तो आपको मैं दिखाऊंगा इतने ठंडे पानी में कितना ठंडा पानी है। तो आइए मेरे साथ देखिए कितना ठंडा पानी है। बताइए, दिक्कत तो उन्हें कुछ नहीं होती है। जो सरकार वहाँ बैठी है, जो गवर्नमेंट वहाँ बैठी है, उन्हें तो क्या है, बस पानी कोदा और चले आए। लेकिन ठंडी में हमारे किसान भाइयों को बड़ी दिक्कत होती है, और उन्हें पानी वानी सींचने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए इतना ठंडा पानी है। हमें यह भी नहीं पता है कि सरकार ठंडी में पानी क्यों देती है। जरा आप भी सोचिएगा, अगर ठंडी में पानी देना हो तो इसकी क्या आवश्यकता होगी, जरा सोचिए। आप बताएं क्या दिक्कत होती है। सर भाई शर्मा रहे हैं हमारे किसान भाई, लेकिन मैं बता सकता हूँ, मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ, और ये बता सकता हूँ कि इस नहर के आने से क्या दिक्कत होती है और क्या परेशानी होती है हमारे किसान भाइयों को, उन्हें क्या क्या दिक्कत होती है। पहली बात तो ये, जब वो कभी पानी सींचने आते हैं तो उन्हें ठंड लगती है, रात भी रात, दिन अंधेरा किसी भी समय। और खासकर जब खेतों में खाद की आवश्यकता होती है तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे किसान भाई साइकिल से खाद की बोरियां लाद कर आते हैं और नहर में कुदा देते हैं, जिससे कि पूरी खाद की बोरियां समझ लीजिए बह जाती है। और फिर दिक्कत क्या होता है, और फिर दिक्कत क्या होता है कि फिर खाद लेने जाने में बहुत दिक्कत होती है। पहले बात तो वहाँ खाद लेने में लाइन से खड़े होना पड़ता है, उसके बाद इस नहर को डालने में कितना दिक्कत करना पड़ता है। और फिर क्या, देखिए ये सब हमारे भाई साहब के खेत हैं, ये भाई साहब खड़े हैं, देखिए ये सब लहा वहा जो बोया है, बहुत दिक्कत परेशानी होती है। जरा एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको क्या ठंडी में इस पानी की आवश्यकता होती है या नहीं। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।